सो हाई एवरी वन, वेलकम टू न्यू वीडियो। माई नेम इज़ रितु नंदल गोयत एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, आपको पता है जैसे कि हम अभी अभी कैनेडा में लैंड हुए और जब हम यहाँ आने की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पर एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे बहुत परेशान करता था कि इमिग्रेशन के एयरपोर्ट पर क्वेश्चन क्या होंगे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के। तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और एयरपोर्ट के बाद वो मुझे डिपोर्ट कर दें या मुझे वापस भेज दें। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी। उसके लिए मैंने बहुत सारी यूट्यूब रिसर्च भी की, बहुत सारी वीडियोज़ देखे, उसके बाद मुझे अपने आंसर मिले एंड फाइनली मैं एयरपोर्ट से बहुत अच्छे से अपनी इमिग्रेशन क्वेश्चंस हैंडल करके बाहर आ गई थी। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ जो मैंने इतने सारे रिसर्च के बाद कलेक्ट किया है कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे एयरपोर्ट पर और कैसे कैसे आपको उनके आंसर देने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ना आपको दो जगह मिलेंगे, एक एयरपोर्ट इंडिया पर और एक एयरपोर्ट कनाडा पर। तो जैसे ही हम इंडिया के एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, हम अपना चेक इन करते हैं, लगेज सबमिट करते हैं, उसके बाद हमें इमिग्रेशन की लाइन में जाना होता है। वहाँ पर इमिग्रेशन के जो ऑफिसर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, ऑल्दो जो टाइम वहाँ पर होता है हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत हाई क्या होगा ऐसा परेशानी वाला। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ईजिली उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इंडिया के एयरपोर्ट पर मुझसे बस दो या तीन क्वेश्चन ऐसे जनरली ही पूछे गए थे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। जैसे कि एक उन्होंने पूछा था कि व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो मैंने बताया था कि माय हस्बैंड इज़ ऑलरेडी देयर फ्रॉम द लास्ट 3 years एंड नाउ वी आर मूविंग परमानेंटली ऐसे। तो फिर उन्होंने पूछा था कि डू यू प्लान टू वर्क देयर और विल बी एन हाउसवाइफ। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो इस क्वेश्चन का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है, बट वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आपको पैनिक नहीं करना। और मैंने बताया कि या आई विल सर्च फॉर वर्क फर्स्ट, तो देन ही आस्क व्हाट दिस टाइप ऑफ जॉब यू विल बी लुकिंग देयर। मैंने बताया या आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम द लास्ट 10 years इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो प्रोबेबली आई विल बी लुकिंग फॉर द सेम डिपार्टमेंट। जस्ट ये 3 क्वेश्चन हुए थे, उसके बाद ही सेट गुड टू गो। बस हम लोग फिर वहाँ से एंटर हुए, फिर फ्लाइट बोर्ड हुआ, उसके बाद लेओवर हुआ, दूसरा फ्लाइट लिया, फिर हम पहुँच गए टोरंटो एयरपोर्ट पर। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना वो थोड़ी सी ऐसे डिफ़िकल्ट होती हैं कि सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, कोई ऐसी गाइडेंस होती नहीं है। तो जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं एयरपोर्ट पर आते हैं, एयरपोर्ट पर आते ही सबसे पहले एक टोरंटो ऑफिस का टोरंटो एयरपोर्ट का मैं बताती हूँ। वहाँ पे राइट साइड पर ऐसे मशीन्स लगी हुई थी, जो लोग पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं वो चाहे किसी भी वीज़ा पर हैं उन लोगों को वहाँ पर अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि ये मेरा नाम है, यहाँ से हम आए हैं। अब जैसे मैंने अराइव कैन ऐप यूज़ किया था, मैंने अपनी सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पर डाल रखी थी, तो मेरी सारी डिटेल्स वहाँ पर फ्लो हो गई थी। जस्ट उस मशीन पर मेरी पिक्चर क्लिक हुई। अब वो जो पिक्चर क्लिक होती है उसमें बड़ा ध्यान से कैमरे में देखना होता है, अदरवाइज जैसे ही आप मूव करोगे आपकी पिक्चर ठीक से क्लिक नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगा, वो स्लिप लेकर आप सीधे एयरपोर्ट पर आगे आ जाएंगे। हाँ, जो इमिग्रेशन की लाइन होती है टोरंटो एयरपोर्ट पर, ये लाइन में क्वेश्चंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्दो देखो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस से भेजा जा सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको सिर्फ वही डिटेल्स पूछी जाएंगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई वो आपके डॉक्यूमेंट से ही करेंगे। अब उस बड़ी लाइन में, अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो उन्हें वहाँ पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। उनको बोला गया कि आप उधर रेस्ट करो, सिर्फ मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी, क्योंकि और भव्य मेरे साथ था तो भव्य बहुत छोटा है तो भव्य को भी रेस्ट के लिए बिठा दिया गया। तो जब मैं वहाँ इन बिटवीन लाइन पर खड़ी थी तो मैं वहाँ पर देख रही थी बहुत सारे ऐसे काउंटर्स होते हैं जिसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि ये होल्डर जाएंगे, यहाँ पर स्टोर वाले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लोग किसी भी काउंटर पर जो भी फ्री होता है उस पर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप काउंटर पर जाएंगे, सबसे पहले मैंने अपने साथ, जब इन बिटवीन में मैं उस लाइन में खड़ी थी ना, तो मैंने अपने साथ बहुत लोगों को देखा था कि उनसे क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, सो दैट मैं अपनी बारी में प्रिपेयर रहूं। कुछ लोग वर्क परमिट वाले थे, स्टूडेंट वाले थे, सबको मैं ऐसे ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो लाइन ऐसे सारे काउंटर होते हैं और आप ऐसे खड़े रहते हो
देन यू टर्न राइट और फिर आप दोबारा इस तरफ से एंटर आते हो। तो जब हम यहाँ वेट कर रहे होते हैं, इन बिटवीन आप इन लोगों को देख सकते हो, सुन सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एयरपोर्ट पर जो भी ऐसे वर्कर थे ना, आपको लाइंस में खड़े रहना है, किधर जाना है, गाइड करने वाले, वो सारे लोग इंडियंस थे, तो ऐसा कोई टेंशन वाला माहौल नहीं था। सो जैसे ही हम काउंटर पर एंटर करते हैं, सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पूछा था, हाय व्हाट इज योर फुल नेम। आई टोल्ड हिम दैट माय नेम इज रितु। देन ही आस्क्ड डू यू यूज एनी लास्ट नेम। मैंने बताया कि नहीं, मैं लास्ट नेम यूज नहीं करती हूँ। फिर उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, और ये डेट ऑफ बर्थ वाला क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने वहां खड़े होकर नोटिस किया, लगभग हर किसी से पूछा जा रहा था, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम और ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे से रट लेती है उससे पहले ही। अब इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि व्हाट इज योर हस्बैंड डूइंग हेयर। सो मैंने बताया कि ही इज वर्किंग हेयर फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। देन ही टोल्ड मी कि कॉल योर सन, अपने बेटे को बुलाओ। तो मैंने उधर से अशोक और भव्य दोनों को अपने पास बुलाया, तो उन वो मिले सबसे पूरी फैमिली से। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, यू जस्ट गो एंड रेस्ट। उन दोनों को भेज दिया, उसके बाद मुझे भी बोला कि ठीक है, आप जाओ और रेस्ट करो और मैं आपको बुलाता हूँ। तो यहाँ बस इतने से क्वेश्चंस हुए थे, हम जाकर बैठ गए। विद इन 5 मिनट्स में मुझे नेम अनाउंस होता है कि प्लीज कॉल ऑन द सेम काउंटर। तो मैं वापस आती हूँ और मेरे हाथ में मेरे सारा क्लियरेंस लेटर मेरे हाथ में होता है, और बस उसके बाद हम अपना निकल जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। माहौल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सब बहुत प्यार से अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं वीजा ऑफिसर्स। ऐसा कुछ टेंशन वाला नहीं है कि आपको ये प्लान करना है। जस्ट रिमेम्बर कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपको वही सारा कुछ बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, योर डेट ऑफ बर्थ, योर फुल नेम, योर मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हैं, आपको वो सारा याद रखना है। बहुत सारे लोग जो हमारी लाइन में थे, उनमें से 80% लोग स्टूडेंट्स थे, तो जो कि फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे थे। तो मैंने वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स पर भी ध्यान दिया कि वो लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं। सबसे पहले उनके पास उनका पासपोर्ट, उनका वीजा अप्रूवल लेटर, कॉलेज LOA, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। तो जैसे ही वो जा रहे थे, मेरे राइट साइड पे एक लड़की खड़ी थी, उससे क्वेश्चन ये हुआ था कि व्हाट इज योर कॉलेज नेम। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉमिनल सा है, बट उस टाइम पर बच्चा इतना टेंशन में होता है ना कि वो घबरा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस नॉर्मल होके अपने सारी डिटेल्स याद रखनी है कि आपका कॉलेज नेम क्या है और सेशन क्या है और किस प्रोग्राम के लिए आपने एनरोल किया है। और द मेन क्वेश्चन ये होता है कि आपने इंडिया छोड़ के कैनेडा में क्यों चूज किया है। तो जैसे कि हम अपनी SOP में भी लिखते हैं कि हमने कैनेडा क्यों चूज किया है इंस्टेड ऑफ इंडिया, वहीं से आप कुछ लाइन्स प्रिपेयर करके अपने पास ला सकते हैं। अब देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल अच्छे से हैं, तभी तो आपका वीजा ग्रांट हुआ ना और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घबराना है, जस्ट वो सारी चीजें याद रखनी है और बहुत नॉर्मल बिहेव करना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक था जो लगभग हर किसी से पूछा जा रहा था कि टिल व्हेन यू विल बी हेयर, कि आप यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगे। तो आपको एक एस्टिमेटेड डेट अपनी पहले से प्रिपेयर करके रखनी है कि मैं इस डेट तक यहाँ पे रहूंगा, उसके बाद आई लीव फ्रॉम कैनेडा। सो आइदर आप उसके स्टडी के बाद बेशक वर्क परमिट पर जाओगे, वो कोई इशू नहीं है, बट वहां पर आपको एक टेंटेटिव डेट जरूर बतानी होती है। सो दैट्स इट, ये ही मेन सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछे जाते हैं। मैं एक बार जस्ट आपको क्विकली रिमाइंड करा देती हूँ कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, योर नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर्स नेम, एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट तो आपका LOA आपके साथ होना चाहिए, आपका कॉलेज नेम और कॉलेज किस प्रोग्राम में एनरोल किया है, वो प्रोग्राम एंड वाई कैनेडा, ये सारे क्वेश्चंस आपको बस प्रिपेयर करना है। और जैसे ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं और अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यू आर गुड टू गो टू एंटर कैनेडा एंड वेलकम इन कैनेडा। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को हैंडल किया होगा। स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस पर रिप्लाई कर सकूँ।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।